सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल सीजन 11 का 29वां मुकाबला आज रात 8 बजे से बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों की कोशिश जीत की राह पर वापस लौटने की होगी। कोलकाता की टीम 8 टीमों की पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, तो वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 6 मैचों में 4 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। कोलकाता इस मैच में 2 हार के बाद मैदान पर उतर रही है। उसे किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। पिछले 2 मैचों में कोलकाता के गेंदबाज और बल्लेबाज संयुक्त रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। कप्तान दिनेश कार्तिक ने बल्लेबाजी में आगे रहकर टीम का नेतृत्व किया है। वहीं उनके उप कप्तान रोबिन उथप्पा और नीतीश राणा, क्रिस लीन और ऑलराउंडर आंद्रे रसेल संयुक्त रूप से भी टीम को जीत नहीं दिला पाए। कोलकाता की चिंता पिछले 2 मैचों में गेंदबाजी की रही है। टीम की स्पिन तिकड़ी कुलदीप यादव, पीयूष चावला और सुनील नरेन पटरी से भटक गए हैं और जमकर रन लुटा रहे हैं। वहीं युवा तेज गेंदबाज शिवम मावी, मिशेल जॉनसन को भी पिछले मैच में दिल्ली के नए कप्तान श्रेयस अय्यर और युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने जमकर धोया था। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।